दोस्तों नमस्कार, राम राम। दोस्तों देखिए, डेट देख लीजिए, 24/7/2023 आज की डेट में हरियाणा रेजिडेंट अप्लाई किया है और ए टू जेड प्रोसेस आपको सिखाने वाला हूँ। स्किप न करोगे तो एक ही वीडियो में सीख जाओगे। 2023-24-25 तक आपको कभी भी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप आज की वीडियो को देख लेते हैं, हमें पता है डॉक्यूमेंट में अड़ जाते हैं, तो दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या लगाने हैं, क्या प्रोसेस है, वहां से आप ज़रूर अड़ जाते होंगे और कैसे अटैच करने हैं स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे सरल की क्यूसक CSC ID अगर आपके पास है, सिटीजन तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे पोर्टल जिस टाइम पे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई दे, तो इसको स्किप वगैरह कर सकते हैं, डोंट वरी। तो यहाँ पे है अप्लाई फॉर सर्विसेज, फिर व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो 3 डॉट्स पर क्लिक करके सर्च बोर में आप रेजिडेंट सर्टिफिकेट टाइप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे ऊपर पहला ही लिंक है हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट, इस पर आप क्लिक करेंगे। 3 डॉट पर हमने क्लिक किया तो देखिए थोड़ा बड़ा हो गया, और हरियाणा रेजिडेंट पर क्लिक किया तो हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट, जिसको हम डोमिसाइल भी बोलते हैं, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। यहाँ पे फैमिली आईडी आपके पास होनी ज़रूरी है, तो हमने फैमिली आईडी संख्या देखिए डाल दी है। और अभी हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो दोस्तों हरियाणा रेजिडेंट को हरियाणा डोमिसाइल और हरियाणा निवास प्रमाण पत्र और इसके अलावा 3-4 नेम दिए जाते हैं, वो हम आपको साइड में दिखा रहे हैं। देखिए मेंबर फैच आउट करने के बाद आपने मेंबर को सिलेक्ट करना है फैमिली आईडी में, जिसका आप हरियाणा डोमिसाइल बना रहे हैं। सेंड OTP करना है, OTP आपके रजिस्टर्ड HOF को जाएगा, हेड ऑफ द फैमिली को, या फिर जिस मेंबर के पास आपने चयन किया है उस मेंबर के पास जाएगा। अब यहाँ पे डिटेल देखिए, कोई भी भरने की ज़रूरत ही नहीं है, पर्सनल डिटेल, सिर्फ फ़ोटो अटैच करनी है आपने। ओनली आप फ़ोटो 50 KB से नीचे की बना सकते हैं, हमने तैयार कर ली है और हमने अटैच कर दी है। ईमेल आईडी ऊपर यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। अब आ गया देखिए स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आसान है। यहाँ से आप अपना ब्लॉक और अपना जो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, रूरल एरिया वगैरह अपने आप उठा लेगा, और आपने गांव सेलेक्ट कर लेना है या फिर आपका वार्ड सेलेक्ट कर लेना है। सिंपल प्रोसेस है ये। है दोस्तों आपका रेजिडेंस सेंस ईयर, जहाँ जब आप शादी करके महिला आती है तो उसकी डेट अलग होती है। जब से आप इस गांव में रह रहे हैं, जब से आप इस एड्रेस पे रह रहे हैं, वो डेट आपने डालनी है। अब मैरिज के बाद शादीशुदा औरत अलग डालेगी और जो जन्म से है वो अलग डालेंगे। उसके बाद आप नन गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे और अंतिम डेट आप आज की डाल सकते हैं। प्री वेरिफिकेशन, इसको आपने यस ही करना है, क्योंकि यस करना इम्पोर्टेंट, वेरी ज़रूरी है। अब सरपंच और पटवारी और नीचे वाला ऑप्शन है MC, यानी कि जो शहर से है वो नीचे वाला और गांव से है ऊपर वाला, और नाम डाल देंगे यहां पे, या फिर पटवारी का और या फिर सरपंच का, या फिर MC में आप डाल सकते हैं। कैप्चा डालेंगे, चेक करेंगे आपकी फ़ाइल, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। अगर नज़र आती है तो, कहने का मतलब बाद में दिक्कत आ सकती है, अभी आप सही कर लीजिएगा। अगर परिवार पहचान पत्र में ही गलती है तो वहाँ पे जाके सही कर लीजिएगा। हमने चेकआउट कर लिया है और बिल्कुल ओके है हमारा फॉर्म। अभी हम नेक्स्ट, जो हमारा यहाँ पे देखिए सबमिट का ऑप्शन है, आपने सबमिट कर देना है। ड्राफ्ट में आप ड्राफ्ट में गिर सकते हैं, बाद में आप इसी एप्लीकेशन को यहीं से शुरुआत कर सकते हैं। क्लोज, आप क्लोज करना चाहते हैं क्लोज कर सकते हैं। देखिए हम अटैच अनेक्चर पर पहुंच चुके हैं, इससे पहले भी ये आपको बोल रहा है कि आप चेकआउट कर लीजिए आपकी जो फाइल है, एक बार और मौका देता है। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन देखिए आ रहा है, आप ऊपर जाएंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टेप बाय स्टेप चेकआउट करेंगे। खाली सिर्फ आपने चेकआउट करना है, डिटेल को मिलान करना है, अच्छे से चेकआउट कर लेना है।
ठीक है, ओके है, सब कुछ हमने देख लिया, हमारी फाइल बिल्कुल करेक्ट है। अटैच अनेक्चर पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही अटैच अनेक्चर और थ्री डॉट पर क्लिक किया तो एड्रेस प्रूफ में आप एक आईडी देंगे, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। आधार कार्ड सबके पास होता है, एक आप यहाँ पर अटैच कर देंगे और फॉर्मेट आपका 1024 KB है, बहुत है। अटैच वेरिफिकेशन रिपोर्ट, ये आपको थोड़ी दिक्कत आती है, हम आपको साइड में साइड दिखा रहे हैं कि आपने किस प्रकार फाइल को अटैच करना है, इसी प्रकार आप अटैच करेंगे। अभी हम यहाँ पे चूज़ फाइल करके इसी फाइल को अटैच कर देते हैं जो आधार कार्ड है। सबसे पहले हम देखिए, ये है गुरजीत आधार, इसको हमने सेलेक्ट किया और नीचे वेरिफिकेशन रिपोर्ट में हमने गुरजीत HRC लिखा हुआ है, हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट रिपोर्ट, तो हमने सेलेक्ट कर दिया। अभी सेव अनेक्चर आपने कर देना है, यही सिर्फ यही प्रोसेस है, सिर्फ यही एक वेरिफिकेशन की जो आपकी पटवारी और आपने सरपंच से, सिर्फ और पटवारी और सरपंच से साइन करवाने होते हैं, वो आप यहाँ पे अटैच करेंगे। अटैच करते ही एक बार फिर से आप थ्री डॉट पर ऊपर क्लिक करके, आप सिर्फ यहाँ पे आपको क्या दिखाता है, पहले वाली डिटेल ही दिखा रहा है, फ़ोटो वगैरह सब कुछ वही है, लेकिन एक चीज़ नई ऐड ऑन होती है, एनेक्श्योर की लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट देख पाओगे कि किस प्रकार आपने अटैच किए हैं। यहाँ पे आप सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही बस हो गया दोस्तों, ये इतना सा काम था आपका। हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट अप्लाई हो चुका है, डेट आज की है 24/7/2023, और इसके साथ साथ हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट सरल आईडी नंबर भी लग चुका है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और आप इसी आईडी से डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसी आईडी से ट्रैक भी कर सकते हैं। सरल स्टेटस डॉट हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। हमने आपको आज की वीडियो में सिखाया कि आप अप्लाई कैसे करेंगे, ये था A to Z प्रोसेस, और अगर फाइल में दिक्कत आती है कमेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपकी कमेंट का रिप्लाई करेंगे, हमारी टीम आपको ज़रूर रिस्पॉन्स देगी। और हेल्प चाहिए कोई भी किसी भी प्रकार की, वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़िए। जो भी नई लेटेस्ट न्यूज़ आती है, नई अपडेट आती है, इसके अलावा जो भी फॉर्म होते हैं वो सब आपको मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो पर टच करके इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो है आपकी मकान मरम्मत के लिए, आप आवेदन किस प्रकार करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपके छोटे भाई ने फॉलो आप कर सकते हैं, इन्हीं स्टेप को जो हमने बताए हैं, आपका अप्लाई होगा 100%, आप बिल्कुल करेक्टली अप्लाई करेंगे। बाकी दोस्तों धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही।